कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोकर्षक श्री श्रीमशील भक्ति विधान शिला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु ही कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्य प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोकर्षक श्री श्रीमशील भक्ति विधान शिला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी हेतु ही कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा यथायोग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। लक्ष्मी का अर्थ क्या होता है? लक्ष्मी का अर्थ होता है जो हमेशा विवाह के सूत्र में बंधे रहे उसको बोलते हैं लक्ष्मी। तो जब भगवान श्री कृष्ण की रासलीला हुई थी तो लक्ष्मी जी नारायण को छोड़ के कहाँ पे आ गई? भगवान कृष्ण के पास। तो बताया क्या कोई दोष है? बताया कोई दोष नहीं है। गुरुदेव एक बात बताते थे, हम जिस स्थान पे आए हैं चीरघाट, और साधारणतः इस लीला को इस जगत में लोग एक अच्छा नहीं समझते हैं। तो गुरुदेव एक बहुत सुंदर बात बताते थे कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भगवान कृष्ण ने क्या किया? उसके ही वस्त्र बन के आ गए। तो कोई दोष हुआ? दोष होता नहीं है। तो यहाँ पे इस चीज को पहले समझेंगे, इस लीला को समझने से पहले, कि ये लीला किसने करी है? ये लीला करी है साक्षात भगवान कृष्ण ने। यत् चक्षुर ए सविता सकल ग्रहणम राजा समसुरा मूर्ति आशीष तेजा यस्य आज्ञा भ्रमति काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं उस गोविंद का भजन करता हूँ। कौन? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जिसकी एक आंख के इशारे से, जिसकी एक आंख के इशारे से सारे के सारे जो मंडल है, ये सारे के सारे ब्रह्मांड जिसकी एक इशारे से चलते हैं, जिसकी आंख के इशारे से क्या होता है? साम ऋतो काल चक्रो, ये काल चक्र भी जिसकी एक आंख के ही इशारे से चलता है, और उसी आंख के इशारे से सूर्य समय पे आता है, अस्त होता है। तो वही त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण जो है, ये उनकी बड़ी ही सुंदर मधुर लीला है। लेकिन बताया इसको कौन समझ सकता है? बूझी बे रसिक ना बूझी बे मूढ़। इसको केवल रसिक भक्त ही समझ सकते हैं, जो मूढ़ है वो इसको नहीं समझ सकते। जितनी भी गोपियां थी उन सब गोपियों के अंदर इच्छा थी कि हमें कृष्ण पति के रूप से प्राप्त हो। तो दो प्रकार की गोपियां, एक तो जो कि नित्य सिद्ध गोपियां हैं, जो सब राधा जी का ही काया व्यू है, नित्य सिद्ध गोपियां, और कुछ ऐसी गोपियां जो साधन करके वहां पे पहुंची है, साधन सिद्ध गोपियां। तो इन साधन सिद्ध गोपियों के अंदर इच्छा थी कि कृष्ण हमें पति के रूप से प्राप्त हो। उसके लिए इन्होंने कात्यायनी देवी का व्रत रखा। ब्रज में जो इनकी देवी है वो कात्यायनी देवी मानी जाती है, और कात्यायनी देवी का उन्होंने एक मंत्र से उपासना करी। क्या मंत्र है वो? कात्यायनी महामाहे महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमा। ये कौन है? योग माया है, महामाया नहीं है। तो इन कात्यायनी देवी की इन्होंने जब आराधना करी, रोज सुबह भोर के समय इधर ही इसी स्थान पे ही सारी गोपियां आती थी, और सारी गोपियां जब यहाँ पे कात्यायनी देवी की पूजा करने आती हैं सुबह, तो सारी गोपियां जब आ रही हैं, एक एक करके जब सारी गोपियां आ रही हैं, आपस में कृष्ण का कीर्तन गाते हुए आती थी। क्या कीर्तन? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। आके सारी गोपियां एकत्रित होती है, और फिर इसी बालू से ही बड़ा सुंदर कात्यायनी देवी का विग्रह बनाती हैं, और विग्रह बनाने के बाद जो षोडश उपचार से पूजा होती है करती हैं। क्या करती हैं? सबसे पहले उनको उनके चरणों में पुष्प अर्पण करती है। कौन से पुष्प? कमल के पुष्प। कमल के जो पुष्प होते हैं उसकी जो दल होते कैसे होते? नेत्र के समान होते हैं। मानो जब कमल के पुष्प कात्यायनी देवी को अर्पित कर रही है पूजा करते हुए, तो मन ही मन गोपियां प्रार्थना क्या कर रही है कि जिस प्रकार से हमने आपको ये कमल पुष्प दिए हैं, उसी प्रकार से हम भी पुष्प के रूप में कृष्ण हमें स्वीकार करें। जिस प्रकार से इस कमल के जो दल के जो आकार है, उसी आकार क्या है? कृष्ण के नेत्र का आकार है। मानो हमें क्या हो? कृष्ण के साक्षात दर्शन हो। चाई नवीन नेग पाने तूया बंधु पड़े मने एला ये केश नहीं बांधी। कि जब गोपियां कृष्ण के दर्शन करने के लिए बाहर निकलती हैं, तो अभी उनको कृष्ण दर्शन नहीं हुआ, केवल आसमान में देखती है तो बड़े सुंदर सुंदर मेघ हैं। उन्हीं मेघ को देखने से उनको कृष्ण का एकदम स्मरण हो जाता है, और जब कृष्ण का स्मरण हो जाता है तो अपने केशों को तक बांधना भूल जाती है। तो उनकी इच्छा है कि हमें निरंतर कृष्ण के दर्शन होते रहे। फिर वहां पे क्या अर्पित करती है कात्यायनी देवी को? उनको वहां पे चंदन कस्तूरी तिलक से उनका क्या करती है? उनका श्रृंगार करती है। तो जब चंदन और तिलक उनको देती है, तो मन में गोपी के क्या भावना आ रही है? जब कात्यायनी देवी की जो भी पूजा कर रही है, मन में सबकी यही भाव आ रही है कि किस प्रकार से कृष्ण हमें प्राप्त हो।
जब उनको चंदन देती है तो मन में उनके क्या भाव आता है? मन में उनके भाव आता है अगरु चंदन हैताम तुआ अंगे माखा रहताम घमिया पड़ीताम रंगा पाए। नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं क्या भावना है गोपी की? गोपी की भावना होती है कि कृष्ण के कितने कोमल अंग है, काश मैं क्या करूं, मैं ही चंदन बन जाऊं और कृष्ण के अंग पे लेपित हो जाऊं। और जब उनकी घामिया पड़ीताम रंगा पाए, जब कृष्ण का पसीना गिरेगा तो मैं उनके चरणों में जाके गिरूंगी। तो अनेक अनेक भाव विभोर होकर वो क्या कर रही है, उनकी बड़ी ही सुंदर कात्यायनी देवी की पूजा कर रही है। और कात्यायनी देवी की पूजा करने के बाद उनको प्रणाम आदि करके उनकी मंत्र से उपासना करके यहीं पे वो रोज यमुना जी में स्नान करती हैं। करते करते जब उनका व्रत एक महीने का जब पूरा हो गया, आज अंतिम दिन था, जब आज उनका अंतिम दिन था तो उन्होंने अंतिम दिन में राधा रानी और आदि गोपियों को भी बुलाया कि आज हमारा व्रत पूरा हो रहा है और हम क्या चाहती हैं कि राधा आदि जो उनकी सखियाँ हैं वो सब भी आए ताकि हमारा व्रत अच्छे से संपन्न हो पाए। फिर अंतिम दिन जो व्रत का होता है यहाँ पे राधा जी भी आती है और सारी सखियां कात्यायनी देवी की पूजा करने के बाद यमुना जल में स्नान करती हैं। उसी समय क्या होता है, कृष्ण इसी वृक्ष के ऊपर, जहाँ भी हम लोग दर्शन करके आए हैं, उसी वृक्ष के ऊपर सब एक एक करके गोपियों के वस्त्रों को लेके ऊपर चढ़ जाते हैं। जब ये लीला हुई थी उस समय कृष्ण की आयु 5 वर्ष की थी और गुरुदेव बोलते थे कि आज भी देखने को मिलता है कि गाँव के अंदर 5 साल के 4 साल के 6 साल के बच्चे बिना कपड़े के घूमते हैं तो उनके अंदर कोई विकार आता है? किसी प्रकार का विकार आता ही नहीं है। तो वहां पे जब भगवान कृष्ण उन वस्त्रों को उस पेड़ के ऊपर रख के बैठ जाते हैं और साथ में कृष्ण के 2 सखा भी थे, जो कृष्ण के 2 सखा थे उनकी आयु तो 3 या 4 साल की थी, उससे भी कम थी, तो छोटे छोटे सखा है वो भी कुछ समझते नहीं है। उसके बाद वहां पे जो गोपियां हैं जब देखती हैं कि हमारे वस्त्र गए कहां, हमारे वस्त्र तो वहां पेड़ के ऊपर है, तो वहां पे कृष्ण वहां पे उन्हीं वस्त्रों के साथ बैठे हैं। तो वहां पे गोपियों और कृष्ण का बड़ा ही सुंदर कथुप कथन होता है जिसके अंदर कृष्ण गोपियों को बोलते हैं हाँ हाँ तुम्हारे वस्त्र यहीं पे पड़े हैं, आके एक एक करके ले लो। तो गोपियां कहती है कि नहीं नहीं हम वहां पे कैसे आ सकती हैं, आप यहाँ पे वहीं पे नीचे रख दो हम अपने आप ले लेंगी। कृष्ण कहते हैं अरे अगर मैं नीचे रखूंगा तो उन सबके कपड़े तो आपस में मिक्स हो जाएंगे, कोई किसका उठा लेगा, इसलिए तुम यहाँ पे आ जाओ जिसका है एक एक करके मेरे से ले लो। तो फिर वहां पे गोपियां कहती है कि हम तुम्हारी तरह चोर छोड़ी ना है कि हम जो किसी और के कपड़े उठा लेंगे, हमें अच्छी तरह पता है हमारे कौन से किसके वस्त्र है, इसलिए ज्यादा बात मत करो, हमारे वस्त्र यहीं पे लाके रख दो। तो कृष्ण कहते हैं कि नहीं जिसके वस्त्र है मैं उसके उसके हाथ में ही दूंगा, अगर तुम नहीं आना चाहती तो तुम्हारे इन वस्त्रों से यहीं पे झूला बना के मैं पेड़ में झूला झूलते रहता हूं, क्योंकि उनके बड़ी बड़ी जो उनकी दुपट्टा आदि है। तो वहां पे कृष्ण को गोपियां बोलती है अरे कृष्ण तुम्हारी गैया वहां पे चर रही हो कि जाके अपनी गैयाओं को देखो, तुम तो वन में गैया चराने आते हो, हमारे वस्त्र स्त्री के वस्त्र स्त्री जाने तुम्हारा क्या काम, तुम अपना जाके काम करो। तो कृष्ण भी गोपियों कहते हैं अरे तुम्हारे भी तो घर में पति ससुर इंतजार कर रहे होंगे, तुम अपना घर में जाके काम करो, जब तुम मुझे मेरा काम याद दिला रही हो मैं तुम्हें तुम्हारा काम याद दिलाता हूं। तो वहां पे गोपियां फिर कृष्ण को बोलती है कि देखो कृष्ण तुम नंद महाराज जी के पुत्र हो और ब्रज में सब जानते हैं कि नंद महाराज जी कितने सौभाग्यवान और कितने पुण्यवान हैं और तुम ऐसा कार्य करते हो गोपियों के वस्त्रों को चोरी करते हो। तो उस पे वहाँ पे गोपी और कृष्ण का बड़ा सुंदर ही कथुप कथन होता है। उसके बाद फिर कृष्ण जो है उन गोपियों के वस्त्रों को उनको बाहर बुला के दे देते हैं। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी श्रील स्वामी महाराज जी एक बात बोलते थे कि अगर कोई स्त्री अपने पति के सामने निर्वस्त्र आती है तो उसमें कोई दोष होता है? उसमें तो दोष होता नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने जो कात्यायनी देवी की पूजा करी थी किसलिए करी थी, कि कृष्ण हमें किस रूप में प्राप्त हो, पति के रूप में प्राप्त हो, और आज उनके व्रत का अंतिम दिन था तो अंतिम दिन ही मानो कात्यायनी देवी ने उनको उनके व्रत का फल प्रदान कर दिया कि उनको कृष्ण किसके रूप में प्राप्त होते हैं, पति के रूप में ही प्राप्त होते हैं। और जो गोपियां हैं जो साधन सिद्ध गोपियां हैं, कोई ऋषिचरी है कोई मुनिचरी है, कोई इस जगत की नहीं है, इसलिए इसी लीला के बाद सुखदेव गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर भागवत में श्लोक बताया कि कहीं कोई किसी के हृदय में कोई काम का विकार ना आ जाए इसको सुनने के बाद। तो सुखदेव गोस्वामी जी एक उदाहरण देते हैं, जैसे मानो एक बीज है संतरे का, उस संतरे के बीज को अगर हम आग में गर्म कर दें, अब उसके बाद हम उसको डालें, बीज को हम डालें धरती में और उसमें अच्छी खाद भी डालें, अच्छा जल वायु सब कुछ दें, तो क्या पेड़ होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो बीज जल चुका है। अब उसमें कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, बड़े से बड़े साइंटिस्ट लग जाएं, कुछ भी लग जाए, उसमें वापस पेड़ नहीं हो सकता। उसी प्रकार से बताया कि जिसका एक बारी कृष्ण के साथ स्मरण, जिसका एक साथ कृष्ण के साथ जो एक बारी जिसका संग हो चुका है, जो कृष्ण भक्त बन चुका है, जो कृष्ण भक्ति में आ चुका है, उसको कभी भी संसार की कोई भी वासना स्पर्श कर ही नहीं सकती। गोपियों तक का तो कहना ही क्या,
यहाँ तक कि अगर कोई साधक भी क्यों ना हो, शिला नरोत्तम दास ठाकुर जी अपने प्रेम भक्ति चंद्रिका में बताते हैं, किबा करी ते पारे काम क्रोध साधकेर यदि संग है वैष्णवार जन्ने, कि अगर किसी का वैष्णवों का संग हो गया तो काम और क्रोध उसका कर क्या सकते हैं, काम और क्रोध उसका कुछ कर ही नहीं सकते। यहाँ तक कि अगर कोई साधक भी है जिसको भगवान के नाम में रुचि हो चुकी है, आसक्ति हो चुकी है, उसको भी संसार की वासना स्पर्श नहीं कर सकती, तो गोपियों का तो शुद्ध प्रेम है, वहां पे कहना ही क्या। तो ये वो स्थान है जहाँ पे गोपियों का चीरहरण हुआ है, भगवान कृष्ण ने उनका चीरहरण किया है, और यहाँ पे गोपियों ने दिखाया है कि किस प्रकार से वो कृष्ण के पास आके एकांतिक शरणागत होती है। और भक्ति का प्राण क्या है, शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं, भक्ति के प्राण है शरणागति, छड़ अंग शरणागति होई बेजहार, तार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। भगवान कृष्ण सबकी प्रार्थना नहीं सुनते हैं, किसकी प्रार्थना सुनते हैं, केवल उन्हीं की ही प्रार्थना सुनते हैं जिनकी छड़ अंग शरणागति हो चुकी है। तो ये स्थान पे आके हम लोगों के हृदय में किसी प्रकार से कुछ शरणागति की भावना आनी चाहिए। शरणागति में छह चीजें होती है, क्या क्या होता है, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से विवर्जनम। जो भक्ति के अनुकूल जितनी वस्तु है उसको मैं ग्रहण करूंगा, और भक्ति के प्रतिकूल जितनी वस्तु है उसको मैं दृढ़ भावे त्यागी, वो दृढ़ भाव से भक्ति के प्रतिकूल वस्तुओं को मैं त्याग दूंगा। रक्षिष्यति कृष्ण इति विश्वासो, ये विश्वास रखना कि कृष्ण ही मेरा रक्षा करेंगे। गोपतृत्व वर्णम, कृष्ण ही मेरा पालन पोषण करेंगे। आत्मनिक्षेप कार्पण्य, अपनी आत्मा को भी भगवान के प्रति अर्पित कर देना। और सबसे अंत में कार्पण्य, यानी कि हमेशा दीनहीन भाव रखना। तो जिसके पास ये शरणागति होती है वो ही भक्ति में आगे जीवित रह सकता है। बिना शरणागति के हम लोग भक्ति मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए हमारे गुरुवर बोलते हैं भक्ति का जो द्वार है वो है शरणागति। जो शरणागत होगा वो ही इस भक्ति पथ में चल सकता है। एक बारी हमने एक प्रश्न पूछा था हमारे पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी से, कि शास्त्रों में बताया गया है कि भक्ति का मार्ग कैसा है, शुरस्य धार एव, कि तलवार की धार के समान। तलवार की धार पे अगर कोई चलेगा, अगर हल्का सा भी बैलेंस बिगड़ गया तो पैर पूरा कट जाएगा। दूसरा शास्त्र बोलते हैं कि भक्ति का मार्ग कैसा है, धावन निमिल्ले नेत्र न स्खले न पतेत इहा। अरे ये तो ऐसा मार्ग है इसमें आप आंख बंद करके दौड़ोगे तब भी आप गिरने वाले नहीं हो ना पतित होने वाले हो। इस जगत में कोई ऐसी रोड है क्या जहाँ पे आंख बंद करके दौड़ो और गिरो नहीं? बताया केवल भक्ति का मार्ग ऐसा है जहाँ पे आंख बंद करके दौड़ोगे तब भी नहीं स्खलित होगे। तो बताया शास्त्रों में दो बातें क्यों बोली, एक तो कह रहे हैं तलवार की धार पे चलना, फिर कह रहे हैं आंख बंद करके भागना। बताया जो व्यक्ति शरणागत हो चुका है, जिस जीव के हृदय में शरणागति उत्पन्न हो चुकी है, उसके लिए तो भक्ति मार्ग कैसा है, धावन निमिल्य नेत्र, भाई आंख बंद करके दौड़ो कभी भी गिरने वाले नहीं हो। लेकिन जिसके पास अभी तक शरणागति नहीं आई है उसके लिए भक्ति का मार्ग कैसा है, शुरस्य धारा एव, एक तलवार की धार पे चलना। तो यहाँ पे हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि किसी प्रकार से हमारे हृदय के अंदर शरणागति आए। कैसे हमारे गुरुवरों के हृदय में शरणागति थी, हम लोग सुनते हैं शिला स्वामी महाराज जी अपने गुरुदेव का एक आदेश का पालन करने के लिए इतनी वृद्ध अवस्था में कहाँ चले गए, विदेश चले गए। क्यों? शरणागत है। हमारे सारे गुरुवरों के अंदर देखने को मिलता है ये शरणागति। तो साधक अवस्था में हम लोगों के लिए मुख्य है किसी प्रकार से ये शरणागति का भाव आना, तब जाके ही हम उस रस तक पहुंच पाएंगे। इतना ही बोल के मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। निताई गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल। अभी हमारे बीच में हमारे मोहित प्रभु हैं, जो हरी बोल। अभी श्रवण किया हमने चंद्रगोपाल प्रभु जी से। ब्रजवासी लोग कृष्ण के ब्रजवासी हैं, और कृष्ण कौन है, सर्व कारण क्या है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो ऐसे कृष्ण के प्रिकर होते हुए भी वे कोई कहते हैं इनकी पूजा कर रहा है, कभी शिव जी की पूजा कर रहे हैं, हैं इसमें। और एक तो शास्त्र बोलते हैं भक्ति कैसे होनी चाहिए, भक्त अनन्य सक्य अहम एम विदर्जुन, भक्ति कैसे होनी चाहिए, अनन्य होनी चाहिए। जब ब्रजवासी अनन्य नहीं है, जो घर का ही बंदा विरोधी बन रहा है, घर के ही परिवार के लोग अन्य क्या करेंगे फिर। इसे लग रहा है कि जो कृष्ण के परिकर जब उनको छोड़ के और के भाग रहे हैं तो हमारी क्या गलती फिर है। नहीं, भक्ति तो अन्य ही है, अर्थात ब्रज गोपियां यदि कहते हैं की पूजा कर रही है, नंद बाबा शिव की पूजा करते हैं, आए ना अंबिका वन में गए थे शिवरात्रि के दिन, उस दिन गए थे
वो शिवराज के व्रत भी किया था उन्होंने, तो क्यों कर रहे हैं ये? उनका उद्देश्य क्या है? कि कृष्ण का हित, इसलिए कृष्ण का हित के लिए कर रहे हैं, ये अनन्यता भंग नहीं हुई। साधारण नियम तो यही है, भक्ति अनन्या ही होनी चाहिए, मतलब केवल और केवल कृष्ण के लिए। और प्राय हमारा क्या होता है, यहाँ तक जो दीक्षित वैष्णव मठ के हैं वो भी इक्के दुक्के होते हैं जो अनन्य होते हैं, नहीं तो जहाँ पर वो नवरात्र है प्रभु जी नवरात्र कर ले क्या? कोई दोस्त तो नहीं है, कर लो भाई क्या कर सकते, कर ले क्या? अब देखो देव पूजा अपनी जगह ठीक है, कृष्ण पूजा अपनी जगह ठीक है, पितर पूजा अपनी ठीक है जगह ठीक है, पति पूजा अब सब अपनी जगह ठीक है। नमक का महत्व है कि नहीं है? अब क्या नमक बुरा है कि अच्छा है? लाल मिर्च अच्छी की बुरी है? बुरी है क्या? बुरी है तो उसमें सभी को डाल दे उसको, सब है ना। अब आपने एक टिन लिया 16 किलो का, 1 किलो का 1 किलो देसी घी डाल दिया, बहुत कीमती है। 1 किलो आपने हवाई जहाज में पेट्रोल डाल दिया, क्या रुपये लीटर होगा? 2000 रुपये लीटर, 2000 रुपये लीटर, 2000 रुपये के आसपास, 1100 हम उड़ रही हैं। कम से कम 5000 रुपये लीटर तो होगा, 1 लीटर डाल दिया उस टिन के अंदर। देखो 1 किलो देसी घी हो गया 500 रुपया, 1000 रुपये लगभग लीटर, 1500 हो गया। उसमें शुद्ध मूंगफली का 1 किलो तेल दे दिया, अब क्या दाम होगा उसका? 1900। उसमें शुद्ध 1 किलो बासमती चावल, शुद्ध बासमती चावल डाल दिया, अब दाम कितना हो गया? 2000 हो गया। उसमें 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 और बादाम डाल दिए पीस पास करके, काजू डाल दिए भर करके पीस करके, 16 किलो बन गया। कुल दाम हो गया उसके बाहर से 50,000 रुपया टिन का दाम। आप लेके गए तो लेके गए, उसके बाद परचून के भैया टिन ले लो। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या इसमें? 1 किलो देसी घी है, 1 किलो जहाज का तेल है, 1 किलो शुद्ध बादाम है, 1 किलो इसमें काजू भी है और पिस्ते भी है, केसरी मिली हुई है, और कुल मिला के 50,000 रुपये दे दो। जाने क्या करेगा वो? सीधा फोन करे आगरा, गिनती करो, कोई कमी तो नहीं हो गई, कोई भाग तो नहीं गया यहाँ से? बोला क्यों? क्यों एक व्यक्ति आया है इधर, अर्थात अब उसको दाम क्या हो गया टिन का? जीरो। हाँ, और उसमें तुमने एक समय नमक भी डाल रखा था, अब उसकी क्या कीमत क्या हो गई? जीरो। यदि मिलाया हुआ नहीं था एक चम्मच नमक की भी कीमत थी, एक चम्मच नमक था उसी की कीमत थी कुछ, अब वो सब चौपट हो गया है ना, हो गया नहीं हुआ? जीरो हो गया। शिव भक्ति अपनी जगह है, देवी भक्ति अपनी जगह है, कृष्ण भक्ति अपनी जगह है, सब अपनी जगह ठीक है, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम से स्वभावदा सात्विकी राजस्तेव तेषु। भगवान कह रहे हैं गीता में अर्जुन, जीव के श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, राजसिक सात्विक तामसिक, और जो पूजा करते हैं पूजा का बेस क्या होता है? श्रद्धा। जो पूजा करते हैं उसका बेस श्रद्धा होती है, श्रद्धा आधार श्रद्धा होता है। श्रद्धा तीन प्रकार की, पूजा तीन प्रकार की हो जाती है, सात्विक राजसिक तामसिक। अब सात्विक पूजा देवताओं की होती है, यक्ष पूजा सा यक्ष राशियों की जो होती है राजसिक होती है, और देवताओं की सात्विक होती है, प्रेतों की तामसिक होती है। सब अपनी जगह ठीक है, सबका अपना अपना फल है। देवी पूजा करोगे अपना फल है, हनुमान पूजा करोगे अपना फल है ना। जब हम सबको मिला देते हैं, कृष्ण की पूजा भी कर रहे हैं, देवी पूजा भी कर रहे हैं, देव पूजा भी कर रहे हैं, सोचा कि दाम बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा? दाम बढ़ जाएगा। वो ना रहती देवी पूजा, देवा पूजा नैराधिक, सब जीरो हो जाता है। इसलिए क्या है, एक सदे सब साधे, सब साधे सब जाए, है ना? ऐसा है कि नहीं है? है? सामने 150 कबूतर थे, झपट्टा मारा कोई तो हाथ में आ ही जाएगा, एक भी हाथ में नहीं आएगा।
एक को तुम लक्ष्य बनाया, एक को एक 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 को लक्ष्य बनाया, एक ही हाथ में आ जाएगा। उसी प्रकार से हमारे समस्या मालूम क्या है, इतने सारे हैं, कोई तो हाथ में आ जाएगा, वो कोई हाथ में नहीं आता। बोले क्यों, मालूम क्यों होता, शिव जी को पुकारते, शिव जी समझते हैं मेरा भक्त है। अगले दिन पहुंच गए हनुमान के मंदिर में, तो शिव जी सोचते हनुमान बचा लेगा उसको। अगले पहुंच गए देवी को, इस प्रकार से वो है ना, जिस बाप के चार बेटे होते हैं ना, जिस बेटे के चार बेटे होते हैं, तो वो बाप भूखा निश्चित भूखा मरेगा। वो चार बेटे जो बाप के होते हैं, जो भूखा मरने वाला है वो। बोले क्यों, वो देख लेगा और ये किए तो, पर क्या करूं मेरे पास में। उसी प्रकार से यदि हमारी निष्ठा दस जगह रहती है तो उसमें हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए कहा गया तो अब क्या करें, एक को मानो। अब एक को कैसे माने, किसको माने, एक को ऐसे को मानो जिसको माने सब मानना हो जाता है। उसने कहा गया ईश्वर परम कृष्ण, इसके लिए श्लोक है भागवत में, यथा तरोलमूल निषेचने न त्रिपंती तस्कंद भुजोपसा कहा प्राणो प्रहत यथे इंद्रिय नाम आगे अच्युत। एक उदाहरण, एक श्लोक में सब दे दिया। वृक्ष है ना, अब वृक्ष में हम जल कहां देते हैं, मूर्खो तुम महामूर्ख हो, क्यों जड़ भी क्यों देंगे, हम पत्तों में देंगे, पत्तों से ऑक्सीजन मिलती है, टहनियों फल लगते हैं, जड़ से छाया मिलती है, जड़ से फल मिलते हैं, क्या क्या मिलता जड़ से, सरासर अन्याय, सरासर अन्याय है। एक बुद्धिमान व्यक्ति से हम न्याय करेंगे, हम टहन फल कहाँ मिलते, टहनियों में, फूल कहाँ टहनियों में, वो बाल्टी ले चढ़ गया पेड़ के ऊपर, टहनियों में पत्ते में चल दे रहा, वो क्या कर रहे हो, न्याय कर रहा हूँ, सब मूर्ख है, मैं बुद्धिमान हूँ, क्यों जड़ में पानी क्यों देंगे। तो किसी ने प्रश्न किया तो ऐसे करते हैं, पानी जड़ में भी देंगे और पत्तों में देंगे, लो अब क्या होगा, वो बहुत चालाक था, उसने भी कहा ठीक है, जड़ पानी में, पानी जड़ में भी देंगे और पत्तों में भी देंगे, अब क्या, आपके क्या बोलोगे, हाँ बात ठीक है, पत्तों पेड़ और बढ़िया हो जाएगा, मिट्टी हट जाएगी, नहीं बढ़िया हो गया होता है, इस खंड में क्या है दूसरा बात, एक और बोल दिया क्या, प्राणोपहरा चेथे इंद्रिया नाम, ठीक है खंडन कर दिया ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, भोजन कहाँ देते हो, मुख क्यों देते हो, मुख से क्या होता है, अरे कहाँ से सुनते हो, कान में डाल दो, आँख से देखते हो, आँख में थोड़ा परम मन डालो, हाथ से काम करते हो, हाथ चीर के बढ़िया हो, काजू क्या बोलते हैं उसको, दाल बाटी चूर डालो, बादाम शेक डालो ना कान के अंदर, सब मुख में, सब मुख में उड़ेल रहे हो, मुख से क्या होता है, क्या होगा, क्या होगा, आँख भी गई, कान भी गए, कान में गए, मुख में तो दिया नहीं, वो तो पहले खत्म हो गया, जो रहा था, रही थी कसर थी, वो कान में दाल ने काम कर दिया अपना, आंख में वो परमणि ने काम कर दिया, सब जीरो। तो पहले उदाहरण में कुछ कमी थी, ये जिस प्रकार से मुंह में भोजन देते हैं वो शरीर में प्रत्येक इंद्रियों में अपने आप पहुंच जाता है। उसे कह रहे हैं अच्युतेज्या सर्वारहणम अच्युतेज्या, अच्युत भगवान की यदि पूजा कर ली जाती है, उनकी पूजा करने से जितने देवी देवता पितर जितने भी हैं अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं, उनको अलग संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। परंतु हमारी समस्या यही है, अब ये बातें सुनने को कहाँ मिलेंगी, शुद्ध साधु संघ में है ना। उदाहरण देता हूँ, बोले महाराज जी देवकी नंदन ठाकुर के वहां तो 10,000 लोग होते हैं। मैं जो बता दू, मैंने कहा तुम जो हनुमान भक्त है ना, एक किनारे हो जाओ, उनमें आधे चले गए, जो देवी भक्त है एक किनारे हो जाओ, आधे यहाँ चले गए, शिव भक्त कौन है खड़े हो जाओ, आधे वहां चले गए, और कौन बच गए, और कोई देवी होंगी, गणेश गणेश शनि के भक्त कौन है, आधे यहाँ चले गए, लास्ट में जो जीरो, वो मैदान था ना, वह जीरो हो गया। और वैष्णव लोग कथा करते हैं वहां 20 लोग आएंगे, 20 लोग वो लोग होते हैं जो और कहीं नहीं जाते, रेशो वही रहा अनुपात, बल्कि अनुपात यहां दिख रहा, लोग भीड़ देखते हैं, पूछ लेना
जो है ना जो वहां से बाहर निकल, पूछे महाराज जी पर भैया आप बताओ आप पूजा किसी करते है? अरे प्रत्येक दिन अलग पूजा हो जाती है, है? मगर लोग एक ही पूजा सबके, हम सबको लेके चलते हैं, तुम तो संकीर्ण माइंड के हो। तो हम क्या देखते हैं भीड़, वास्तव में ऐसे है नहीं कि पूजा भाई पूजा नहीं है, ये सबको धोखा देना है। देवी को धोखा दे रहे हो, वहां शिव को धोखा दे रहे हो, वहां पर गणेश को धोखा, सब धोखाबाजी है, कुछ नहीं है। तो हमारे कल्याण क्यों करेंगे, वो बेवकूफ है क्या? कोई हम ठगता तो हम समझ जाते हैं बेवकूफ बना रहा है, और वो बेवकूफ, और वो बेवकूफ है, शरीर में बेवकूफ बना रहे हो, बेवकूफ बन जाएंगे, वो बेवकूफ नहीं है, मतलब बेटा मर जाएगा। इसलिए इस समय क्या शिक्षा मिल रही है, ब्रजवासी कृष्ण पूजा, कृष्ण के कृष्ण परिकर है, उन्हें कोई जरूरत ही नहीं करने की, तो भी कृष्ण की प्रीति के लिए वो क्या कर रहे हैं, कोई देवी पूजा कर रहा है, कोई शिव पूजा कर रहा है, उद्देश्य केवल कृष्ण होना चाहिए। यदि कभी समस्याएं होती, महाराज जी हमारे घर में तो वो पुस्तैनी, वो क्या नाम है उसका, कुलदेवी है, क्या करें, छोड़ नहीं पा रहे भैया, तो यदि डर लगा हुआ है तब डरते हो छोड़ने में, तो ठीक है तुम, हम क्या बोलते हैं, ये समझो मुझे कृष्ण भक्ति मांगो, पर उद्देश्य ये रखना पड़ेगा तुम्हें एक दिन छोड़ना है उसको। हमारे कुल देवता शिव जी है, कोई बात नहीं, शिव जी को ना दास मान के करो, है ना। तो ये तो निश्चित है, भक्त अन्य सत्य अहम ये बिंदु अर्जुन, भगवान कह रहे अर्जुन, हे अर्जुन मुझे यदि कोई देखना चाहता है, मेरे धाम में आना चाहता है, पाना चाहता है, भक्ति अनन्य ही होनी चाहिए। यदि भक्ति अनन्य नहीं है तो हम ऐसे ही घूमते रहेंगे, कभी भी भक्ति विशेष। और हमारा उद्देश्य क्या है, ब्रज भक्ति, ये तो मिलना बहुत दुभर है, हमें चेष्टा करनी चाहिए अब निष्ठाओं को परित्याग करके। अब ये बातें सुनने कहाँ मिलेंगी, शुद्ध वैष्णव संघ में है, और वह बोल देंगे भैया हम मंत्र बोल रहे, पांच मंत्र बोल रहे, जो जिसका हो ले लेना, है ना, ऐसे मंत्र दिए जाते हैं, है ना, लो बैठे हैं हम मंत्र, पांच मंत्र बोल रहे, जो खरीदार हो मंत्र ले लेना भैया, पांच मंत्र बोल दे उसने, हो गया दीक्षा, हो गया, हाँ सबकी दीक्षा हो गई, ये कोई दीक्षा फालतू बात है, है ना, क्योंकि मन हमारा कितना है, एक, वो मन कितने को दोगे, क्यों देंगे, सबको दे देंगे, आज इसको दे भैया, मन वापस करो प्रभु जी, क्या हुआ, गणेश जी मन वापस करो, क्या हुआ शिव जी मन वापस करो, भैया तो दिया था ले दो, अरे भैया हम और भी तो है, और भी तो है हमारे पास, आप ही बैठे क्या, तो क्या हो जाएगी, मूर्खता हो जाएगी। मन एक है तो पूज्य एक ही हो सकते, दो नहीं हो सकते, इस गलत फहमी मत रहो, समझे कि नहीं, ये बोलूंगा नहीं, बोलूंगा अनन्य कौन है यहाँ पर, सबके फिर बोलेंगे सब मेरे विरुद्ध बन जाएंगे। कोई बोलो यहाँ बताइए कौन ऐसे व्यक्ति यहाँ पर है ईमानदारी से, जो हाथ वो हाथ खड़ा करे, जो केवल और केवल कृष्ण निष्ठ है, ईमानदारी से झूठी बोलना, मैं अंतर्यामी हूँ। कुल मिलाकर के ये कितने 15 हाथी हैं बस। अब इनमें से पूछो कौन है जो दुर्गा का व्रत रखते हैं, हाथ ऊपर रखो। हाथ ऊपर रखो, इनमें से कौन है जो दुर्गा का व्रत रखते हैं, जिन्होंने हाथ ऊपर रखा कभी किया तो, उनमें से कौन को दुर्गा का व्रत भी करते हैं, हाथ ऊपर करो। कोई बात देखो, यदि कृष्ण निष्ठ हो, अब जब तुम छोड़ नहीं पा रहे हो, क्या करें, ये समाज की, समाज में क्या बोलेंगे, छोड़ नहीं पाते, कोई बात नहीं, परंतु इस भावना से करो हमें छोड़ना एक दिन है, समझे कि नहीं। जब आपको मूल मिल गया तो जड़ क्यों पकड़े, क्या जरूरत है हमें टहनी पकड़ने का, जब जड़ मिल गया, ये भय को निकाल दो। देखो हम लोग घर बार छोड़, हम बेवकूफ है, हमें अपनी चिंता नहीं है, साधु घर बार छोड़ के आए, उन्हें अपने कल्याण की चिंता नहीं है, है कि नहीं, चिंता की नहीं, तो हम कर रहे हैं तो तुम्हें क्या चिंता है, तुम तो नीचे हो। जो ऊपर चढ़ा है उसे गिरने के चांस है, जो नीचे पड़ा कहाँ गिरेगा भैया, जो हम ही कर रहे हैं फिर तुम्हें क्या समस्या है, जहाँ हम वहां तुम, इधर हम नर्क, तुम ही नर्क में, है ना, इसलिए वैष्णव को पकड़ लो। ये बात साधु ही कह सकते हैं, क्यों, साधु को स्वार्थ नहीं है, ये बात साधु ही, क्यों साधु को स्वार्थ नहीं भैया, तुम करो करो ना करो हमें क्या मतलब। परंतु क्या होता है, सामान्य व्यक्ति होते हैं जिन्हें कपटता होती है, वो क्या कहता है, अपना बाजार गर्म रखने के लिए वो सब, जो कोई भी प्यार लहसुन, अरे हाँ प्यार लहसुन चलता है, कोई बात नहीं, सब चलता है, नहीं
क्यों चलता है, कैसे चल सकता है? जो शास्त्र निषिद्ध है तो निषिद्ध है तो निषिद्ध ही है। देखो ध्यान रखना, भीड़ हमेशा क्या होती है, जहां पर शुद्ध देसी घी मिलता है वहां भीड़ मिलेगी, संभव मिल सकती है? और जहां जहां परचूनी दुकान होती है भैया 100 ग्राम मिर्च 100 ग्राम ये दे रहे भैया, अरे 100 ग्राम तो भैया, अरे अरे बिल्कुल तो 100 ग्राम भैया, वो किचिर किचिर लग रहे। और देसी घी मिलता है शुद्ध, दिन में 10 ग्राहक आएंगे सुनसान पर, परंतु प्योर माल तो हो ही जाएगा ना। जहां शुद्ध भक्ति होती है भीड़ हो ही नहीं सकती। मनुष्य नाम सहस्रेशु, हजारों मनुष्य में जो एक होता है जो अपना कल्याण चाहता है, उन्हें भी एक होता है चेष्टा करता है, तो हो ही नहीं सकता है कि भक्ति मार्ग में और जत्थे के जत्थे आ जाए। तो समझिए तो क्या जत्थेदारी है, क्या जत्थेदारी जत्थे वाले हैं, परंतु भक्ति मार्ग में आना आसान नहीं है, शुद्ध भक्ति मार्ग आसान नहीं है, क्योंकि विचार ही कठिन है। परंतु नियम होता है जो चीज महंगी होती है, जो कीमती होती है उस दाम भी होता है, महंगाई होता है ना। इसलिए हम चाहते हैं हमारा आत्म कल्याण हो तो कृष्ण भक्ति से होगा, और भक्ति से तो उसके लिए क्या चाहिए, शुद्ध साधु संग जो आपको मिल रहा है। तो आपसे हमारी यही प्रार्थना रहेगी, आप जो धाम दर्शन कर रहे हैं, धाम का क्या भाव है, ब्रजवास एकांतिक भाव, जब ऐसे जाएंगे अपने को एकांतिक भाव में ले आओ, हमें कृष्ण भजन करना है, और डरो मत, शिव जी कुछ भी गड़बड़ नहीं कर पाएंगे, देवी गड़बड़ चिंता है ना कि शिवजी भागे तो लेके आओगे हमारा, अरे हम ऐसी बांसुरी बजाएंगे शिव का त्रिशूल गिर जाएगा, समझेंगे नहीं, देवी का चक्कर देवी पागल खड़ी रह जाएगी बंसी ध्वनि सुन करके। रक्षक हमारे कौन है, कृष्णा, उसके ऊपर भी कौन है, राधिका जी, कोई चिंता मत करो। एक छोटी सी पहेली पूछूंगा आपसे, ठीक है? मानो माता जी आप खड़े हो, ये माता जी है ना, इन माता जी बहुत अमीर घर से हैं। अब इन्होंने क्या किया, इनके पिताजी से इनकी लड़ाई हो गई, अनबन हो गई, इन्होंने बोला पिताजी मैं तो जा रही हूँ, जो मेरा हिस्सा बनता है दे दो। इनकी माता जी ने इनको 10 लाख रुपये, पिताजी ने 10 लाख रुपये दे दिए। अब 10 लाख रुपये से इन्होंने बिजनेस करना शुरू किया, करते करते इनके सारे पैसे 10 के 10 लाख खत्म हो गए। माता जी आपका नाम क्या है? सीमा जी। सीमा माता जी के 10 लाख रुपए खत्म हो गए। फिर सीमा माता जी क्या करती है, कलंदी माता जी इनकी अच्छी दोस्त है, क्योंकि इनके पिताजी के घर पे उनका आना जाना है, तो उन्होंने कलंदी माता जी को बोला मेरे तो 10 लाख रुपए खत्म हो गए, मेरे को 5 लाख रुपए और दे दे, मेरा बिजनेस पूरा वापस ठीक हो जाएगा, तेरे पैसे अभी लौटा दूंगी। तो कलंदी माता ने देखा इसका बाप तो इतना अमीर है, क्या दिक्कत है, 5 लाख तो मांग रही है, दे देती हूँ। तो कलंदी माता जी ने सीमा माता जी को 5 लाख रुपए दे दिए। अब इनके 5 लाख भी पूरे डूब गए। अब कलंदी माता जी इनको रोज बोलती है दे मेरे पैसे वापस, दे पैसे वापस दे, ये बेचारी दे नहीं पा रही। तो कलंदी माता जी ने इनको डराना धमकाना शुरू किया, गुंडे बदमाश भेजना शुरू किया, पैसे दे पैसे दे। अब इतना परेशान हो गई, इतना परेशान हो गई, अब इसके पास कोई चारा ही नहीं है। क्या करती है, वापस अपने पिता के पास चली जाती है। अब जिस दिन सीमा माता अपने पिताजी के पास वापस गई, उसी दिन से कलंदी माता जी ने पैसे मांगने फिर बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिया? अब आ जाएंगे पिताजी दे देंगे, लेकिन पिताजी भी नहीं दे रहे, ये पिताजी से भी मांगने नहीं जा रही, मांगना ही बंद कर दिया। पिताजी से तो मांगने चाहिए, अब पिताजी से भी मांगने नहीं जा रही, पिताजी को भी नहीं बोल रही पैसे दो, तो चुपचाप शांत बैठी हुई है, मांग ही नहीं रही। पिताजी उनके पिताजी पैसे दिए तो मांगना तो बनता ही है, आप छोड़ दोगे क्या? आप क्यों नहीं मांग रही पिताजी? प्रभावशाली होने पर भी पैसे तो मांगेगी ना, विश्वास से आ जाएंगे, 3 साल 4 साल हो गए तब भी नहीं आ रहे, मांगने भी नहीं जा रही। उनके पिताजी से लिया, हाँ इन्होंने सही उत्तर दिया है, इन्होंने हाँ सुना हुआ मुझे पता है, मुझे क्योंकि सीमा कलंदी दीदी ने सीमा माता जी के पिताजी से 1 करोड़ पे उधार लेके रखा हुआ है। अगर अभी पैसे मांगने जाएगी तो पिता क्या बोलेगा, भाई 1 करोड़ में से 5 लाख काट के 95 लाख दे, इसलिए वो जा ही नहीं रही है। उसी प्रकार से सारा जगत किसका ऋणी है, कृष्ण का ऋणी है। अगर कोई कृष्ण के शरण में आ गया, कोई देवता अगर मानो ऋण लेके भी आ गया, तो कृष्ण बोलेंगे भाई इसका ऋण तो बाद में चुकाऊंगा, पहले मेरा वापस कर दो। इसलिए भगवान की एकांतिक शरण लेने से किसी के पास और नहीं जाना पड़ता। नीतय गौर प्रेमानंदे।